अगर हम ये सवाल पूछें कि दुनिया में किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा खून बहा है, तो सिर्फ एक ही जवाब होगा और वो है जेरूसलम। जेरूसलम पर कब्जे के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच 200 वर्ष तक युद्ध लड़ा गया। इन युद्धों को पश्चिम के इतिहासकारों ने क्रूसेड्स कहा। इन धर्म युद्धों के केंद्र में जेरूसलम था। जेरूसलम पर कब्जे के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई धर्म युद्ध लड़े गए। इतिहास की कई किताबों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि जेरूसलम के लिए पहला धर्म युद्ध वर्ष 1098 से 1099 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में यूरोप के देशों की जीत हुई थी और जेरूसलम पर ईसाइयों ने कब्जा जमा लिया था। कहा जाता है कि इसके बाद जेरूसलम में बहुत खून बहाया गया। दूसरा धर्म युद्ध वर्ष 1145 से वर्ष 1149 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के बाद ईसाइयों की पकड़ जेरूसलम पर कमजोर हो गई। जबकि तीसरा धर्म युद्ध वर्ष 1189 ईस्वी में शुरू हुआ। इस धर्म युद्ध में ईसाइयों की बहुत बुरी हार हुई। इजिप्ट और सीरिया के सुल्तान सलादीन यूसुफ ने जेरूसलम पर कब्जा जमा लिया और जेरूसलम पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। इसके बाद दो और धर्म युद्ध हुए, लेकिन इनमें यूरोपीय देशों को सफलता नहीं मिली। इसके बाद 20वीं शताब्दी में पहला विश्व युद्ध खत्म होने तक, यानी वर्ष 1917 तक, जेरूसलम पर मुसलमानों का ही कब्जा रहा। इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले जेरूसलम यहूदियों के राजा किंग डेविड की राजधानी थी, लेकिन ईसाई और इस्लाम धर्म के विस्तार के बाद यूरोप और एशिया में यहूदी लगातार कमजोर होते गए। यहूदी लोग पूरी दुनिया में बिखर गए और उन पर अत्याचार शुरू हो गए। वो कमजोर होने लगे। 19वीं शताब्दी में थियोडोर हेरत्ज़ल नाम के एक यहूदी विचारक थे। उन्होंने यहूदी राष्ट्रवाद की नींव रखी। इसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने यह संकल्प लिया कि जेरूसलम उनकी मातृभूमि है और उन्हें दोबारा जेरूसलम पर कब्जा करना है। इसमें आप नोट कीजिएगा, यहां भी राष्ट्रवाद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पहले विश्व युद्ध के दौरान जेरूसलम पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया और 700 वर्षों के बाद जेरूसलम गैर मुसलमानों के हाथों में चला गया और यहीं से इसराइल की स्थापना की कहानी शुरू होती है। कहा जाता है कि ब्रिटेन ने यहूदियों को जेरूसलम में बसाने का लालच देकर पहले विश्व युद्ध में यहूदियों का समर्थन हासिल कर लिया। उनसे कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, हम आपको जेरूसलम में बसा देंगे। बहुत ही चालाकी से ब्रिटेन ने अरब देशों को भी जेरूसलम का यही लालच दिया था। आज के इसराइल को तब फिलिस्तीन कहा जाता था और उसमें अरब के मुसलमानों की आबादी थी, लेकिन बहुत व्यवस्थित तरीके से यहूदियों ने जेरूसलम की तरफ पलायन किया। धीरे धीरे पूरे इलाके में यहूदियों की आबादी बहुत बढ़ गई और अरब के मुसलमान कमजोर होते चले गए। वर्ष 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी। यहां आपको यह नोट करना होगा कि 1947 वही वर्ष है जब भारत को भी आजादी मिली थी, यानी भारत की आजादी का वर्ष और इसराइल की मान्यता का वर्ष एक ही है। यानी इसराइल और भारत की जो उम्र है एक आजाद देश के तौर पर, वो लगभग समान है। लेकिन जेरूसलम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर के तौर पर मान्यता दी गई ताकि सर्वधर्म संभाव बना रहे, और तब जेरूसलम पर इसराइल का नियंत्रण नहीं था। यानी इसराइल को देश के तौर पर मान्यता मिल गई, लेकिन जेरूसलम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर के तौर पर मान्यता मिली और इसराइल का उस पर कब्जा नहीं था। अब हम आपको नक्शे की मदद से यह समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे धीरे धीरे फिलिस्तीन गायब होता गया और इसराइल एक देश के रूप में स्थापित होता चला गया। इस नक्शे में जो हिस्सा काले रंग का है वो फिलिस्तीन के प्रभाव का है, जो हिस्सा पीले रंग का है वो इसराइल के प्रभाव वाला है। सबसे पहले वर्ष 1917 का ये मैप देखिए जिसमें सिर्फ फिलिस्तीन ही आपको दिखाई देगा। इसके बाद वर्ष 1947 में जब इसराइल की स्थापना हुई तो नक्शे में ये बदलाव आया। दक्षिणी हिस्से में इसराइल की स्थिति मजबूत थी और जेरूसलम के साथ ज्यादातर उत्तरी हिस्से पर फिलिस्तीन का कब्जा था। 1948 में अरब देशों और इसराइल के बीच हुए पहले युद्ध के बाद फिलिस्तीन के कब्जे वाला इलाका और कम हो गया, हालांकि जेरूसलम के कुछ हिस्सों पर तब भी फिलिस्तीन का ही कब्जा था। इसके बाद वर्ष 1967 आते आते अरब देशों और इसराइल के बीच एक और युद्ध के बाद इजिप्ट के कुछ हिस्सों पर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया, हालांकि बाद में समझौते के तहत इसराइल ने यह हिस्सा इजिप्ट को वापस कर दिया।
अब ये आज का मैप है, आज का नक्शा है, जिसमें फिलिस्तीन सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा तक सिमट कर रह गया है। इसराइल की स्थापना हो गई और कई वर्षों के संघर्ष के बाद इजिप्ट और सऊदी अरब समेत कुछ मुस्लिम देशों ने इसराइल को मान्यता भी दे दी, लेकिन जेरूसलम में मौजूद धर्म स्थलों का विवाद अब तक सुलझा नहीं है। जेरूसलम में एक ऊंचे इलाके में डोम ऑफ रॉक्स है। यहूदियों की मान्यता है कि यहाँ पर किंग सोलोमन ने पूजा स्थल बनवाया था और इसी के पास अल अक्सा मस्जिद है। कहा जाता है कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्वर्ग की यात्रा की थी। यहाँ पर एक वेस्टर्न वॉल भी है जो यहूदी धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अरब देशों का दावा है कि इसराइल जेरूसलम में मुस्लिम तीर्थ यात्रियों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाता है, जो गलत है। आज भी दुनिया जेरूसलम की समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकाल पाई है। ये सभ्यताओं का संघर्ष है जो 21वीं शताब्दी में भी जारी है।